सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द आरके स्टैक। और आप में से कई सारे लोगों को पता है कि भाई मेरे पास है Asus ZenFone Max Pro M1 और इंडिया में अभी बात चल रही है Asus ZenFone Max Pro M2 की। 11 दिसंबर को जो है वो ये लॉन्च होने वाला है इंडोनेशिया में और दिसंबर के ही महीने में आ सकता है इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले Asus ZenFone Max Pro M2 की कन्फर्म स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो Asus ZenFone Max Pro M1 है उसमें जो है वो आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता था, ऊपर और नीचे जो है वो बड़े बड़े बेजल्स मिलते थे। बट यहाँ पे M2 में जो है वो इम्प्रूव किया गया है, नॉच डिस्प्ले आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला दिया गया है और नॉच जो है वो मीडियम है 1+6। जैसे इसमें जो है आपको कैमरा, सेंसर, ईयर पीस और आपको जो है फ्रंट LED फ्लैश जो है यहाँ पे दी गई है। तो ये पहला ऐसा फोन है जिसमें नॉच में जो है वो फ्रंट LED फ्लैश दी गई है। इसमें आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन। तो वो जो है वो 6T में लगा हुआ था 38,000 के प्राइस 60 की। अगर आपने अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। तो वो जो है वो अच्छी बात है कि आपको अभी फ्लेक्सिब लेवल से अभी मिड रेंज लेवल में भी जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 जो आने लगा है। तो अभी बात करते हैं बैक डिजाइन की। तो बैक में जो है वो आपको यहाँ पे ग्लॉसी बैक मिल रहा है। अभी कंफर्म नहीं है ये प्लास्टिक बॉडी है या फिर है मेटल बॉडी, पर मेरे ख्याल से जो वो प्लास्टिक बॉडी होगी Realme 2 Pro जैसे। देखते हैं क्या करते हैं Asus। तो पीछे की तरफ आपको मिलते हैं रियर फिंगरप्रिंट सेंसर एंड डुअल कैमरास, ट्रिपल कैमरास नहीं है, डुअल कैमरास और एक फ्लैश है। तो डुअल कैमरा जो वो है 12+5 मेगापिक्सल के F1.8 अपर्चर के साथ में सोनी IMX486 का जो है वो सेंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कैमरा जो वो और ज्यादा इम्प्रूव किया गया है, अपर्चर जो वो थोड़ा कम किया गया है, सोनी के सेंसर भी यहाँ पे लगाए गए। तो कैमरे में जो है वो M1 से M2 की इम्प्रूवमेंट की गई है। ऐसे ही यहाँ पे आपको फ्रंट में जो है वो 13 मेगापिक्सल का F2.0 वाला जो है वो कैमरा मिल जाता है LED फ्लैश के साथ। सो गाइस मेन बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में। तो प्रोसेसर यहाँ पे जो है M1 में दिया गया था 636, बहुत ही कंपेरेटिवली प्राइस रखी थी Redmi Note 5 Pro से। तो इस बार जो है वो Realme 2 Pro को टक्कर देने के लिए ले आए हैं 660। यस, स्नैपड्रैगन 660 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो Mi A2 में भी है, Realme 2 Pro में भी है। तो देन जो है आपको यहाँ पे 4GB और 64GB का वेरिएंट मिलता है, 6GB 128GB का वेरिएंट मिलता है। अभी 3GB 32GB आएगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है, बट मेरे ख्याल से नहीं आएगा, 4GB 64GB आएगा। तो 4GB 64GB की प्राइस जो है वो करीब यहाँ पे बनती है 14,000 रुपीज। तो देखते हैं क्या करता है Asus। और 6GB 128GB जो प्राइस है वो करीब बनती है 16,000 रुपीज। तो ये जो है वो शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक जो है वो लॉन्च हो जाएगा और Realme 2 Pro और Redmi Note 6 Pro को जो है वो पूरी तरह से फिल करेगा। Realme U1 भी आ रहा है तो वो भी देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करता है Realme B70 के साथ। तो देखते क्या होता है Asus ZenFone Max Pro M2 का। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।